मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है, मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड कोच हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो काफ़ी लोगों को एक उत्सुकता रहती है, वो जो थर्ड सेक्स जो है, किन्नर हम जिनको बोलते हैं या जिनको छक्के लोग बोलते हैं या जिनको मतलब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ऐसा बोल देते हैं उनको, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि वो है क्या। होता क्या है कि ये जो किन्नर लोग है, ये जो हिजड़ा जो लोग है या किन्नर है या छक्के है, जो भी आप उनको बोलेंगे, तो उनकी एक अलग जमात ही रहती है। मतलब उसका कारण क्या है, तो ये जो होते हैं, ये इनको जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो रहते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो रहते हैं, लाइक टेस्टिकल्स या जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो वो डेवलप नहीं होते, वो छोटे रहते हैं। मतलब पेनिस है, शिश्ना है या टेस्टिकल्स है, वो छोटे रहते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, उसका फॉर्मेशन, उसका तैयार होना, उसका सिक्रीशन, वो जब वो बच्चा बड़ा होता है ना पेट में, माँ की पेट में, माँ की गोद में, जब बच्चा बड़ा होता है तब वो हार्मोन का सिक्रीशन बराबर नहीं होता, वो असंतुलन होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इनको, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स जो है, शिश्ना है या टेस्टिकल जो है, उनकी ग्रोथ होती नहीं, उनका उनका जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा होता नहीं। मगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसा दाढ़ी आना, मूछ आना, आवाज लड़के जैसी होना, वो हो जाता है। मतलब एक देखो, एक तरफ कि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो बराबर नहीं है, डेवलप हुए, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है, उसका सिक्रीशन, उसका तैयार होना बराबर नहीं है, मगर आवाज जो है वो पुरुष की है, दाढ़ी और मूछ है, तो इसमें ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। अभी इन्होंने रहना कैसा, क्योंकि समाज उनको मान्यता देता नहीं है। तृतीय पंथी लोग है तो इनको समाज में मान्यता मिलती नहीं है, समाज उनको एक्सेप्ट करता नहीं है, घर से उनको बाहर निकाला जाता है। तो लोगों ने करना क्या, तो उनकी वो समाज में चले जाते अपने, तो तृतीय पंथी लोगों का समाज ही अलग है, उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका गुरु रहता है, और फिर वो अलग अलग जगह से पैसा कमाने का धंधा चालू कर देते, कोई ट्रेन में जाएंगे, कोई बस में जाएंगे, वहाँ ताली बजा के पैसा मांगेंगे, या कोई शादियों में जाएंगे, वहाँ बजाएंगे ताली और पैसा मांगेंगे, कि लोगों को लगता है कि चलो भाई इनको एक बार पैसा दे दिया ना तो ही निकल जाएंगे, मतलब झंझट डाल दे, तो डर के मारे भी लोग पैसा देते। कई लोगों की अंधश्रद्धा है कि उनको पैसा दे दिया, उनको दान दे दिया, तो हमारे घर की शादी अच्छी हो जाएंगी, हमारे घर में कोई गड़बड़ होंगी नहीं, कोई विघ्न आएगा नहीं, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए उनको दे दो, इसके लिए भी लोग देते। तो अभी हमको ये देखना है कि इनको, हमने इनको डरने का कोई कारण नहीं है, उनके प्रति हम कैसा बर्ताव कर सकते हैं कि एक उनके प्रति एक दयालु वृत्ति हम रख सकते हैं, एक काइंडनेस, कंपैशन, तो उनके वो ऐसा है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जो हो गया वो हो गया, डेवलपमेंट में वो हो गया, ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, और इसमें वो डेवलपमेंट में ऐसा हो गया, तो उनके प्रति हम कुछ ना कुछ एक अच्छी भावना रख सकते हैं और उनको समाज में अच्छा स्थान दे सकते हैं। आपके लिए वीडियो लगा अच्छा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।